नाम हाय खुशामुद्दीन, मैं तो आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भाई रिव्यू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सत्या। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मोतीचूर पिक्चर के ट्रेलर के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने ट्रेलर देखा होगा। ट्रेलर में दरअसल ऐसा होता है कि हमारे हीरो जो पिक्चर के जो हीरो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस पिक्चर में नजर आते हैं, इस पिक्चर के ट्रेलर में नजर आते हैं, जो अपने साथी को कहते हैं मोटी भी चलेगी पतली भी चलेगी काली भी चलेगी। 35 साल का हो चुका हूँ, 36 ईयर्स का हो चुका हूँ, पर अब तक कोई लड़की नहीं मिल रही, कैसी मुझे शादी कर रही है। ये सोच के एक लड़की ढूंढने जाते हैं और उन्हें सेट नहीं होता है, और जब भी सेट होता है तो उनका कुछ बनता भी नहीं है। और एक तो वो दुबई से रिटर्न होते हैं और ये काफी लड़के देखने में लगे रहते हैं। और दूसरी तरफ हीरोइन होती है जो है अथिया सेठी जो हीरोइन है इस पिक्चर की हीरोइन। वो और उनकी मौसी हमेशा लगे रहते हैं कि उनको एक NRI लड़का मिल जाए और जो विदेश में रहता हो और वहां जाके सेटल हो गया हो और उनसे शादी करना चाहती है। दरअसल स्टोरी इस तरह लिया गया है इस पिक्चर को। इसका ट्रेलर में देखने से ऐसा लगता है कि ये पिक्चर दरअसल कोई 90s का पिक्चर हो, जब 85-90s का टाइम हो, जब उस वक्त ऐसा होता था कि लोग लड़का अगर विदेश में रहता है, विदेश में नौकरी करता है और विदेशी नागरिकता है तो उसकी शादी करा देते हैं। ऐसी लड़की के घर वाले वैसे ढूंढते थे कि लड़का ऐसा ही मिले जो विदेश में सेटल्ड है, अमेरिका में सेटल्ड है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, कनाडा में सेटल्ड है, तब ऐसे लड़के देखते थे और ऐसी शादी कराते थे। ऐसा एक ट्रेंड हुआ करता था तकरीबन ये 8 से 9-10 साल। फिर लोगों के बीच फिर थोड़ा कुछ बदला, लोग भी समझने लगे, पर ऐसे ही हुआ करता था। उसी ट्रेंड को बेस करके इस पिक्चर में यहाँ पे थोड़ा दिखाया गया है। हीरोइन ऐसी चाहती है कि मेरे को कोई NRI लड़का मिल जाए, उसे मैं शादी कर लूँ, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, कम से कम भूटान या नेपाल तो सही, विदेश में घूम आ जाओ और विदेश में सेटल हो जाओ, बस इनका वही सपना होता है हीरोइन का। पर हीरो तो दरअसल उनका पूरा अलग होता है कि उनको तो बस लड़की मिल जाए तो शादी हो जाए, क्योंकि उनकी उम्र होती जा रही है। और आखिरी में हीरो का घर हीरोइन के बाजू में ही होता है और हीरोइन की जो मौसी होती है उन्हें सुझाव देती है कि तू क्यों ना इससे शादी कर लेती है, दुबई से जाके, दुबई जाके हुआ है बस। तो फिर यही इस तरह चलता है। और हीरो की माँ कहती है कि मेरे बेटे की तो लड़की सब लाइन में खड़ी है, ये इस तरह कहते हैं। और एक सीन में और दूसरे सीन में आपको देखने को मिलता है कि हीरोइन की मौसी जो है हीरो से शादी करा देती है। फिर उनके आपस में बात चलता है कि नहीं, कि जैसल हीरो का तो जो हीरो हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उनकी नौकरी छूट चुकी है दुबई में, और उसके बाद छोड़ के वो अपने देश आ गए। ये फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर इस तरह चलता है ट्रेलर में, फिर दोनों में आपस में टकराव होता है। फिर आखिरी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने साथी से कहते हैं जो हुआ था बड़े मुश्किल से सेट हुआ, उसे भी तुमने तोड़ने की कोशिश की, इस तरह कह के ट्रेलर का अंत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एक 90s के टाइम में आप देखने को मिले, आपने आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों में आपको देखने को मिला होगा कि लोग इसी तरह करते थे कि NRI लड़के शादी कराते, NRI लड़के मिल जाए, वैसे इनकी हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे अब ये पिक्चर जब रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस में कैसे गोल खिलाती है और कैसा चलता है, देखते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।